स्पेशल मूवर्स का मतलब टिकट लिए और इसका जो फेयर है वो है 4,500 रुपीज़। ये कहलाती है बिज़नेस क्लास, ये लाहौर से कराची, और इसकी जो टाइमिंग है वो है 3:30 बजे शाम को निकलेगी और 14 घंटे में ये कराची पहुँचेगी। और इसका जो फेयर बताया मैंने आपको 4,500 रुपये, अगर ट्रेन से कंपैरिजन करें तो काफ़ी कम है, क्योंकि ट्रेन का जो फेयर था वो 6,000 समथिंग है, लेकिन इसका जो है 4,500 है और 14 घंटे में पहुँच रही है, ट्रेन जो है 18 घंटे में पहुँच रही है। तो ये है कि मैंने इसीलिए इसको बुक कराया फैसल मूवर्स का। ये इनका इसका जो टर्मिनल है वो है न्याजी चौक कहलाते हैं लाहौर में, यतीम चौक और न्याजी चौक के करीब है ये, और इस स्टेशन से तकरीबन जो उबर से जो लगते हैं तकरीबन 300 रुपीज़ लगते हैं उबर के स्टेशन से अगर आप आते हैं। तो ये है कि मैंने इसको पहले भी यूज़ किया है, मतलब पहले भी मैं सफ़र कर चुका हूँ फैसल मूवर्स में, इसीलिए मैंने इसको प्रेफर किया है कि मैं ट्रेन में तो कर ही रहा था, मैंने कहा फैसल मूवर्स में भी मतलब किया जाए, जो मतलब एक और मोटरवे के थ्रू ही जाती है। तो अभी देखते हैं इसको, उसके इस ट्रैवल को भी देखते हैं, क्योंकि मैंने पहले मुल्तान से सॉरी रावलपिंडी से मुल्तान का ट्रैवल किया था, अब इसका ट्रैवल है। ये है फैसल मूवर्स, ये कहलाता है न्याजी चौक। किसी भी अजनबी मुसाफिर से कोई भी चीज़ लेकर ना खाएं,
नुकसान की सूरत में कंपनी या स्टाफ जिम्मेदार न होगी। ये फैसल मूवर से जब आप आते हैं लाहौर से कराची के लिए तो जब ये तकरीबन 9 बजे के करीब स्टे करती है इकबालाबाद में, इनका ये वो है। और इसमें ये डिनर भी देते हैं कि वो उसका पीस है, थोड़ा चावल और चाय, लेकिन आपको 60 रुपीज़ की लेनी पड़ेगी। ये इनका स्टॉप है फैसल मूवर्स का, ये है डिनर। बहुत अच्छी सर्विस है और मैं ये रिकमेंडेशन इसलिए इसको रिकमेंड करूँगा कराची लाहौर के लिए, देखो इसका जो टाइम है वो तकरीबन 15 घंटे 15.5 घंटे, मुझे किसी ने 14 घंटे बताया था, लेकिन इसके जो जो टाइमिंग है वो 15-15.5 घंटे, जो एक मतलब अगर हम ट्रेन से कंपैरिजन करें तो ट्रेन की जो टाइमिंग है वो 18 और 18